नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज। शासकीय विधि महाविद्यालय उज्जैन में दिनांक 19 दिसंबर को विकसित भारत 2047 के अंतर्गत सुशासन विषय पर परिचय का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक पूर्णिमा सिंह ने बताया कि इस विषय पर प्राचार्य महोदया ने परिचयात्मक भाषण देकर विद्यार्थियों को इस विषय से अवगत कराया। सहायक प्राध्यापक ईश्वर नारायण शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। इस परिचर्चा में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक व सभी विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। विकसित भारत की संकल्पना को पूरे राष्ट्र के अंतर्गत बताने का कार्य किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 16 दिसंबर को ऑनलाइन गेट टुगेदर आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और युवा लोगों ने सहभागिता की थी। इसी क्रम में इस महाविद्यालय के अंतर्गत 19 दिसंबर को एक कार्यक्रम परिचर्चा के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने, समस्त स्टाफ ने सहभागिता करी और मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ के प्रोफेसर ईश्वर नारायण जी शर्मा के द्वारा विषय पर प्रकाश डाला गया। विकसित भारत की कल्पना सुदृढ़ शासन के रूप में, सुशासन के रूप में और विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यों के रूप में संकल्पित किया गया है एक सपना, और ये तय किया गया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला कर के खड़ा करेंगे। इसमें युवाओं की अहम भूमिका को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया गया और ये अपेक्षित किया गया कि हम सब मिलकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया के रूप में बनाते हुए विकसित भारत की श्रेणी में 2047 तक स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, तो जिसके प्रसारण में हम सभी ने पार्टिसिपेशन किया था, और उसी श्रृंखला में विकसित भारत के तहत हमें परिचर्चा का आयोजन करने के लिए कुछ विषय शासन के द्वारा दिए गए हैं, तो उसी परिचर्चा का आयोजन किया गया था आज, जिसमें परिचर्चा का विषय हमारा सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस था। और प्राचार्य महोदया हमारी डॉक्टर अरुणा सेठी मैम यहाँ पे उपस्थित थी कार्यक्रम में, और मुख्य वक्ता हमारे प्रोफेसर ईश्वर नारायण शर्मा सर थे, जिन्होंने इस विषय पे अपने विचार रखे हैं और आगे भी इसकी श्रृंखला में कार्यक्रम हमें करवाने हैं। विकसित भारत पोर्टल है जिस पे सभी विद्यार्थियों को अपने विचार रखने हैं, विकसित भारत कैसे बनाना है हमें 2047 तक, इसके बारे में। तो ये प्रोग्राम अभी आगे हमारा चल रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया प्रेस न्यूज़।